तो दोस्तों, आपका एक YouTube चैनल है और आपने अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, तो अब आगे आपको क्या करना है? तो देखिए, आपको क्या करना है, आपके पास में एडसेंस अकाउंट पहले से होना चाहिए, या तो फिर एडसेंस अकाउंट नहीं हो तो आपको एडसेंस अकाउंट बना लेना। लेकिन याद रहे कि एक व्यक्ति का एक ही एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने एडसेंस अकाउंट पहले से बना और दोबारा से फिर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और इसके चलते पुराना एडसेंस भी आपका रिस्क में आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अगर यदि आपका पहले से एडसेंस अकाउंट है तो आपको इस यूट्यूब चैनल को उस एडसेंस उनके साथ में लिंक करना है। अगर यदि पहले से बना हुआ और आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपका पहले से ही एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, ये वीडियो जाकर के देखिए कि YouTube अकाउंट को एडसेंस से कैसे लिंक कर। ये वीडियो मेरा उनके लिए होने वाला है जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन उनका एडसेंस अकाउंट नहीं है। तो आप कैसे नया एडसेंस अकाउंट बनाएंगे और अपने इस YouTube चैनल को इससे कैसे लिंक करेंगे और मोनेटाइजेशन स्टार्ट करेंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इमरान गुरु YouTube चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको एडसेंस अकाउंट बनाना है। आपका पहले से एडसेंस अकाउंट है और आप चाहते हैं कि नहीं, नया एडसेंस अकाउंट बनाना है, तो इस चीज का विशेष रूप से याद रखना है कि एक व्यक्ति का एक ही एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। अगर फिर आप दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी एक के नाम का अकाउंट बना सकते हैं, एडसेंस अकाउंट उससे लिंक कर सकते हैं। और एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके आधार कार्ड के अनुसार ही देने, क्योंकि वेरिफिकेशन पिन आता है तो उसी एड्रेस पर ही आएगा। अब हम चलते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं आप अपना नया एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे और कैसे यूट्यूब चैनल को इससे लिंक करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है मेरी स्क्रीन, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट में आप देखेंगे तो डैशबोर्ड जो लिखा हुआ है उसके नीचे का आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का विकल्प मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए, हमने जितने भी रिक्वायर्ड थी हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि सब्सक्राइबर्स 1000 थे तो हमने 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स ले लिया है। वॉच टाइम 4000 था तो 4000 भी यहाँ पर हमने ऊपर ले लिया है। और आप यहाँ देखेंगे ग्रीन टिक का मार्क जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे चैनल मोनेटाइजेशन के लिए सेटअप फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में क्या है, आपको गूगल एडसेंस से आपको इसे लिंक करना है या फिर गूगल एडसेंस का अकाउंट आपको बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। टर्म एंड कंडीशंस है, यहाँ पर वो शो हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स दिख रहा है तो इसको चेक मार्क करना है, नीचे वाला अपने ही आप चेक मार्क ऑलरेडी है पहले से ही। फिर इसके बाद एक्सेप्ट टर्म पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे हमारा पहली प्रक्रिया जो है वो डन हो चुकी है। अब आते हैं नीचे सेकंड स्टेप की तरफ, यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका पहले से ही गूगल एडसेंस का अकाउंट है या नहीं। अगर आपका पहले से ही गूगल एडसेंस अकाउंट है तो फर्स्ट विकल्प यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो भी अकाउंट बना हुआ है उसी से आप इसे लिंक कर सकते हैं। और अगर यदि आपका कोई भी अकाउंट नहीं है तब आपको सेकंड अकाउंट पर क्लिक करना है, नो आई डोंट and any existing account। अब पहले वाली विधि तो हमने आपको अपने पुराने वीडियोस में बता दी थी कि आपका अकाउंट अगर यदि एडसेंस में है तो आपको आगे की प्रोसेस कैसे करनी है, आप वो वीडियोस जा करके यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर यदि आपके पास में एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो नीचे आपको सेकंड विकल्प को चयन करना है, नो आई डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट है जिस अकाउंट से भी आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं उसके थ्रू आपको लॉग इन हो जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके वेबसाइट जो बताया जा रहा है, तो आपका यहाँ पर वेबसाइट तो है नहीं तो क्योंकि आप डायरेक्ट YouTube के थ्रू आए तो यहाँ पर आपको आपका YouTube का URL शो हो रहा होगा। नीचे आपको नो पर क्लिक करना है, चाहे तो आप यस पर भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नीचे फिर आपको आपके कंट्री का चयन करना है, मैं यहाँ पर इंडिया का चयन करता हूँ। नीचे आता हूँ, टर्म एंड कंडीशन है, इस बॉक्स को चेक मार्क करना है और नीचे क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। किस टाइप का अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल का चयन करें। मेरा अब आपको क्या करना है, आपका नाम और एड्रेस सब आधार कार्ड के अनुसार डालना है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आधार के अनुसार क्योंकि वेरिफिकेशन पिन पहुंचाया जाता है तो मुश्किल नहीं होगी पिन आने में। स्टेट डालना है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है आपका। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप तो हमने पार कर ली थी, अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में देखिए इन प्रोसेस लिखा रहा है, यानी कि आपने अपना एडसेंस अकाउंट बना लिया है, अब यहाँ पर इन प्रोसेस में है। अब आपको आगे की प्रक्रिया क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से हम चलते हैं सबसे पहले गूगल में और यहाँ पर गूगल एडसेंस को करते हैं लॉग इन, उसी ईमेल आईडी से लॉग इन करना है जिससे हमने अपना अकाउंट बनाया है। यहाँ पर आप क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका नाम और एड्रेस शो हो रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर साइट पूछ रहा है, अगर यदि वेबसाइट है तो डाल देना है, URL है YouTube का तो उसे डाल देना है, वरना आई डोंट हैव एनी साइट पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही आसानी से आपका पूरा एडसेंस अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सीधे क्या होगा, यहाँ पर अगर पेमेंट स्टेटस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पेमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए $100 होने पर ही आपको पेमेंट की जाती है आपके अकाउंट में। अभी तो यहाँ पर आपको $0 शो हो रहा होगा आपकी अर्निंग। ओके, अब हम बैक चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है अभी आपका अंडर रिव्यू में जा चुका है, 5 से 7 दिन के अंदर ही आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और गूगल की टीम इसे एक्टिव कर देगी। साथ ही साथ नीचे थर्ड स्टेप जो लिखा हुआ है गेट रिव्यू, आपका यूट्यूब चैनल रिव्यू में चला जाएगा और जब एक बार आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है तो यूट्यूब चैनल भी आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। फिर इससे आपके यूट्यूब चैनल पर वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी जिससे कि आपको अच्छी खासी कमाई आप अपने यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और आप अपने एडसेंस में अपने बैंक खाते को कैसे लिंक करेंगे इसके लिए मैंने वीडियो बना चुकी है। ये वाली वीडियो अगर दी आपने नहीं देखा तो यहाँ पर भी जाकर ये वाली वीडियोस देख लेना कि आप अपने एडसेंस में अपने बैंक खाते को कैसे लिंक कर सकते हैं जिससे कि जो भी एडसेंस की कमाई है वो आपके खाते में आ जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे इसी प्रकार की ढेर सारी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।